तो गाइस लंच वंच भाई अपना हो चुका है, हेलमेट ले लो ये लो। और लंच में भाई हमने खाया पराठे और भाई कोल्ड ड्रिंक था माजा। और अभी गाइस गाड़ी वाड़ी भाई काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई होगी, कम से कम ना करते भाई एक घंटे का देखो पूरा गाइस इंजन ठंडा हो गया। अच्छा है थोड़ी बेताल को भाई रिलैक्स भी करने का टाइम मिल गया। तो वंस अगेन गाइस हम फिर से भाई नॉन स्टॉप 80-90-100 किलोमीटर खा सकते हैं। और टाइम हो गया गाइस 10:33 बज चुके हैं। अब देखते हैं भाई अपने को यहाँ से गाइस कितना टाइम लगेगा। हरिद्वार बच रहा है 150 किलोमीटर, सॉरी हरिद्वार बच रहा अपना 60 किलोमीटर और न्यू टिहरी बच रहा गाइस यहाँ से 152 किलोमीटर, तो है काफ़ी दूर है। बट हमारी हमारी कोशिश रहेगी गाइस हम पहुँच जाए भाई कम से कम नाना करते 1-2 बजे तक पहुँचाना भाई, बहुत बड़ी बात होगी। देखो भाई लेट्स सी गाइस एक्चुअल में कब तक पहुँचते हैं। अब ना फ़ोन भी चार्ज होता रहेगा, पावर बैंक पर लगा दिया, कहीं पावर बैंक ना गिर जाए, कैसा है इसका अच्छे से अंदर रख लेते भाई। मेनली तो मैं गोप्रो से शूट कर रहा हूँ बट हाँ फोन भी चार्ज भाई होना चाहिए। लेट्स गो लेट्स गो, आ जाओ और हाईवे की भाई जितनी तारीफ करो गाइस कम है, बहुत ही बढ़िया रोड मिला। अब गाइस हो चुका है 174 किलोमीटर और हमारा टारगेट है भाई फिर से गाइस अब सीधा हरिद्वार या फिर ऋषिकेश गाड़ी रोकेंगे। और खा पी लिया तो कोई टेंशन नहीं है भाई, सिर्फ खींचना है और फुल टैंक भी करवाना गाइस यहाँ, पेट्रोल दो बचा बड़ा इंडिकेटर तो फिल अप भी करवा लेंगे जहाँ मौका मिलेगा, बट अभी गाइस खींचना है। और चार्ज तो हो ही रहा अपना फोन, तो सामने गाइस करेक्ट बोर्ड है भाई यहाँ पे हरिद्वार दिखा रहा है गाइस 48 किलोमीटर, देहरादून 103 और आपका क्या है गैरसोन 298 भाई का नहीं कौन सा, काफ़ी दूर है। स्प्लेंडर वाला भाई क्या तेज निकला बगल से, कुछ भी कहो यार इधर का बढ़िया एरिया भाई, चारों तरफ भाई खेत ही खेत, प्यारा सा हाईवे, वो भी सोचो टोल टैक्स फ्री गाइस यहाँ पे 2 व्हीलर अलाउड है, हाईवे नंबर 58 58, बहुत बढ़िया। फाइनली गाइस देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो फाइनली भाई एंटर हो चुके गाइस देवभूमि में उत्तराखंड में भाई, आफ्टर लॉन्ग टाइम बोलेंगे भाई, 2 महीना लगा इस इंतजार में चक्राता के राइड के बाद भाई अब मौका मिला वापस से भाई देवभूमि का एक्सप्लोर करने का, एंड नेक्स्ट लेवल गाइस फीलिंग होती भाई, अभी तो रोमांच बढ़ता जाएगा और मजा आएगा धीरे धीरे ऐसे भाई हिट करेंगे ना किलोमीटर्स, पहाड़ों में जाएंगे फिर तो भाई माहौल ही चेंज हो जाता भाई, जमीन आसमान का फर्क है भाई। और अभी भी गाइस अपनी एंड टॉक में गाइस 2 लेवल्स है फ्यूल इंडिकेटर के, और टोटल गाइस ट्रिप में गाड़ी चल चुकी है जहाँ से पेट्रोल भरवाया था 180 किलोमीटर, तो भाई बहुत बड़ी बात है अपने लिए, क्या बात है भाई कार वाले और चाह विदाउट हेलमेट के आ रहे हैं बाइक वाले भाई उनको रुकवा लिया, चेकिंग चल रही गाइस चेकिंग। देखो और बोट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, हरिद्वार सीधा देहरादून सीधा और एक क्या है जो लेफ्ट जा रहा है वो है गाइस झबरेड़ा, कैसा नाम है भाई हरिद्वार गाइस। वंस अगेन भाई यहाँ से 50 किलोमीटर रुद्रप्रयाग 215, ओ माय गॉड गाइस रुद्रप्रयाग कितना दूर है भाई, वहाँ भी ड्रीम है गाइस ड्रीम है, केदारनाथ जब करेंगे तो भाई रुद्रप्रयाग तो जाएंगे जाएंगे, यमुनोत्री क्या बात है गाइस, केदारनाथ लो नाम लिया गाइस आ गया, केदारनाथ 298 यमुनोत्री 324 हर हर महादेव। तो गाइस कोई सिटी है मेरे हिसाब से, ट्रैफिक बहुत नहीं आप देखो, जब भी भाई यहाँ पे 80 स्पीड क्रूज कर रहे हो भाई, उत्तराखंड के एयर को गाइस फील करो भाई, मजे ही मजे। अब यहाँ पे मैक्सिमम गाइस गाड़ियों चल रही है ना, यूके नंबर ज़्यादा देखने को मिल रही है क्योंकि प्रॉपर भाई यूके में हम एंटर कर चुके हैं। और हरिद्वार अपना रह गया सिर्फ 40 किलोमीटर और बोला तो बड़े आगा इस बेताल का भाई यहाँ पे जवाब दी भाई एंटोक का, दिल्ली से एक बार फुल टैंक कराओ, आपका टैंक ख़त्म होने से पहले गाइस आप लोग हरिद्वार बोलो या फिर उत्तराखंड में आराम से एंटर कर जाओगे, ये चेक करो गाइस। गाड़ी चल चुकी है 193 किलोमीटर और अभी भी भाई अपने पास ना फ्यूल गाइस
फील का गाइस कितना हॉर्न मार रहे हो बे, फील का गाइस दो इंडिकेटर बचा हुआ, समझ रहे हो, दो इंडिकेटर मतलब मान लो गाइस लाना करते हैं ना, अभी बता लो अभी रिजर्व में लगा के 60 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगी गाड़ी, सोच लो तो इतना ज़्यादा भाई बैकअप है, तो अच्छा खासा माइलेज मिल रहा है डबल के साथ, लोड के साथ, प्लेन भी है मेरे साथ। रवि भाई कमाल का हो यहाँ पर परफॉर्मेंस है बेताल का, मौसम तो अपना साथ दे ही रहा है। अब गाइस सीधा चलना भाई हरिद्वार, बाकी सारे भाई लोग निकल चुके आगे, हम मैं सबसे पीछे। अच्छा यहाँ पे रोक लिया है इन्होंने, रोकते रोकते गाइस रोकते हैं आराम से। अच्छा मैप यही पुल के ऊपर से आएंगे, रुड़की के लिए सीधा आएंगे, रुड़की से होते हुए हरिद्वार चले जाएंगे। कहाँ रुड़की है? हाँ रुड़की भी सीधा आएगा, हरिद्वार भी सामने ही तो आएगा, देहरादून के लिए इधर हो जाए, देहरादून नहीं जाएंगे हम सीधा ऊपर। हाँ देख लो मूड का नहीं रहा, मैप लगाना पड़ेगा, रुक जाओ भाई पेट्रोल वाटर देख लो, चेक करते हैं भाई। एंटो का दो इंडिकेटर अभी भी है, 200 चल चुकी है, भरवाएगा नीचे मतलब भरवाऊं ना, पानी में चलेगी इसको देख लो, बोला भरवाएगा नहीं है पेट्रोल पंप कहाँ है। अरे सुनो अंकित भाई जो आएगा ना पेट्रोल पंप वहाँ रोक देना, वहाँ भरवा लेंगे। 70 किलोमीटर का रेंज है मेरे पास अभी, 60-70 का रेंज है मेरे पास अभी, दे रहे हो तुम बोले माइलेज नहीं दे रहा, दो इंडिकेटर अभी भी है, 200 किलोमीटर चलने वाली है। तो गाइस चेक करते एक बार रास्ता भाई, बेताल की तारीफ बहुत हो गई, करना पड़ता है इस बंदे बोलते भाई एंटो को माइलेज नहीं देता। न्यू टिहरी, ओ माय गॉड गाइस पहाड़ों का रास्ता स्टार्ट होने वाला भाई, सीधा बिल्कुल सीधा, हाँ हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश बिल्कुल सीधा गाइस, और यहाँ से बच्चों का एग्जैक्ट 130 किलोमीटर, सही है गाइस सही है, कहीं नहीं मुड़ना भाई सीधा, और पेट्रोल पंप जहाँ मिले ना रोक लेना, पेट्रोल डलवा लेंगे, मिल जाएगा रास्ते में, ख़त्म नहीं हो रहा अभी बहुत है अपने पास, जहाँ मिल जाए वहीं रोक लेना बस। गाइस मैप लगा के जाएंगे भाई, पेट्रोल पंप ढूंढने टाइम लगेगा, ऐसा हो नहीं सकता 60-70 किलोमीटर की रेंज में पेट्रोल पंप ना मिले अपने को। अगर यहाँ से गाइस आप लोग लेफ्ट ले लोगे तो पहुँच जाओगे भाई देहरादून यहाँ से, एंड यहाँ से रुड़की हरिद्वार ऋषिकेश सीधा, और ये वाला रास्ता देहरादून। अगर आपको मसूरी आना था फिर तो आपको ये वाला रास्ता बेस्ट पड़ता है, जा रखा मैं यहाँ से उतरो, फिर ऐसे कर रास्ता कट रहा उस साइड को, देहरादून होते हुए आप मसूरी निकल जाओगे। फाइनली गाइस भाई बहुत दूर जाके भाई दिख रहा अपने को पहाड़, ओह माय गॉड स्पीड गाइस ओवर हो गई, 95 जा रही भाई स्लोप पे, पिलियन के साथ भाई 100 हो गए, 99 गई भाई, भाई क्रेजी परफॉर्मेंस दे रही है बता लिया पे भाई, भगाने मजा आ रहा है, सोचो भाई पिलियन के साथ अगर मैं सोलो होता तो भाई क्या भागती है अभी, रॉकेट है भाई जिंदा रॉकेट है, अभी से सस्पेंशन तो भाई ऐसा हो रखा ना जैसे कार में बैठा हो, फुल मजा आ रहा है ऐसे करके, वेट के हिसाब से हो गया, और आपको गाइस दूर दूर भाई क्या मस्त हो रहा है, और गाइस अगर आप दूर गोप्रो में देखेगा नहीं, देखो आंखों से सही से दिख पा रहा है, गोप्रो में आप देख ही नहीं पाओगे क्यों, गोप्रो में गाइस बहुत ज़्यादा भाई होता है, क्या बोलते हैं दूर दिखता है। ओह ये क्या हो गया गाइस, बारिश हो रही है भाई धूप में बारिश, तो भाई बहुत दूर जाएगा इस पहाड़ दिख रहे हैं, और ये देखो भाई धूप निकल रहा है उत्तराखंड में, और हल्की हल्की बारिश की छुट्टी आ रही है, बिल्कुल हल्की हल्की, देखते हैं गाइस कहाँ बारिश मिलेगा अपने को बिल्कुल। तो फाइनली भाई दिस इज़ अ सेकेंड फ्यूल अप जो कि दिल्ली से किया था, एंड गाड़ी चल चुकी भाई 208 किलोमीटर, और प्लस अभी रिजर्व में लगी है, तो ये मान लो भाई 55-60 किलोमीटर और चलेगा, देखो रिजर्व में अभी लगी है सिर्फ 2 किलोमीटर चली है, तो गाइस काफ़ी अच्छा था माइलेज भाई मिल रहा है, बट एक बार फुल टैंक करवा लेते हैं, अब पहाड़ों पे आराम से निकल जाएगा, टेंशन ख़त्म। इससे गाइस एक बार रेडी भाई खींचा मारने के लिए, और क्या सोचा था भाई क्या हो गया, मतलब इतना अच्छा मौसम था, बट अभी यार बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है, देखो वेदर तो गाइस नो डाउट बहुत ही अच्छा हो रहा है, खूबसूरत हो रहा है, क्लियर है, बट धूप बहुत लग रही है यार, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, फ़ोन इतना ओवर हीट हो चुका है, टाइम हो रहा गाइस 11:25, चल ले भाई चल ले, हॉर्न मार रहे भाई बैठो, और फुल टाइम गाइस हो चुका, तो चलो यहाँ से हरिद्वार 23 ऋषिकेश 61 किलोमीटर, चलो 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 चलो
चलने पे गाइस, चलने पे सुकून मिल रहा भाई। खड़े खड़े तो बैंड बज गया था भाई, देख रहे हो हालत खराब है इस गर्मी से। अरे मेरा एक बटन लगा देना यार, खुल रहा है। बंदे बोलिए अब बटन लगाओ, क्या कर रहे हो आप? ये वाले खूबसूरत सा भाई मंदिर दिखाता हूँ आपको। रोक के भाई, ऑफ रोडिंग पूरा गाइस, पूरा गोल्डन। देखो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्या ही सही लग रहा भाई, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। धूप में और चमक रहा है पूरा सोने ऐसा भाई, एक्चुअल में गोल्ड कलर है लेकिन धूप में क्या अजीब ही मतलब लग रहा है। सामने दिख रहा मुझे दूर पहाड़, दूर है मतलब गाइस बहुत दूर। अभी तो भाई हरिद्वार नहीं पहुँचे, हरिद्वार पहुँचेंगे, क्रॉस करेंगे, देन गाइस हरिद्वार के बाद जैसे ही ऋषिकेश में एंटर करने लगेंगे तब जाके भाई आपको कर्विंग और पहाड़ की खूबसूरती मिलेगी, वहाँ की भाई वादियों का वो जो सुगंध होता है गाइस मिलेगा मुझे। और वीडियो से आप भी लेना भाई, यही तो गाइस फील करने आते भाई देवभूमि में, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, जितनी बार आओगे उतनी बार कम है भाई। तो बस थोड़ी देर में गाइस आपको दर्शन कराने वाले भाई, देखो बबलिंग करने लगता है। देखो 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 ओ भाई साहब, गाइस मजाक नहीं है यार, बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। नहीं कैसे, या तो वेट ज़्यादा या मैंने आगे ये रख रखा, इससे पहले तो कभी नहीं हुआ आगे ये रखा, इसलिए मेरे को लग रहा हो रहा है। मतलब एक लेवल पर गाइस ऐसा हो रहा है, अगर मैं छोड़ दूंगा थोड़ा देर के लिए और होने के लिए कि मैं चलो थोड़ा और छोड़ के देख रहा हूँ। ये देखो एक लेवल पर भाई साहब कंट्रोल से बाहर चले आ रहा है। तो पता नहीं क्यों हो रहा, पहली बार हो रहा है आजकल लॉन्ग राइड पे। दर्शन करने का टाइम आ गया हरिद्वार के, ये चेक करो, हर हर महादेव गाइस, हर की पौड़ी भाई पहुँचने वाले हैं। और इतना खूबसूरत भाई ओम यहाँ पे लिखा पड़ा ना हर बार, आप लोगों को दिखा दो, देखो अद्भुत गाइस अद्भुत। पानी तगड़ा फ्लो कर रहा है और रंग गाइस वैसे हो रहा थोड़ा मिट्टी कलर का रंग हो रहा, बट बहुत अच्छा लग रहा भाई, बहुत अच्छा। फाइनली गाइस पहुंच चुका भाई हरिद्वार, और हरिद्वार से भाई सीधा आते ही बंदे बोले तो हर की पौड़ी चलते हैं। तो गाइस हर की पौड़ी पे खड़ा हुई, मैं बैक साइड में दिखाऊंगा भाई, बहुत ही खूबसूरत है। कैसा लग रहा भाई? बहुत ही बढ़िया यार, मतलब गाइस अच्छा खासा भाई पानी फ्लो कर रहा है, ये चेक करो गाइस, देख रहे हो भाई हर की पौड़ी पे खड़े हम सारे भाई। एंड सामने गाइस बहुत ही प्यारा व्यू है, ये देखो। हाँ चलो क्लोज चलते हैं भाई, पानी अच्छा खासा गाइस फ्लो कर रहा है, थोड़ा कलर वही है मिट्टी कलर का कलर है, बट गाइस फ्लो है ना जो बहुत भाई ज़्यादा लेवल पे है, देखो सही है भाई। तो गाइस यहाँ से एक्सप्लोर करने के बाद भाई प्लान है सीधा ऋषिकेश से होते हुए भाई अपनी लोकेशन पर चलेंगे जो कि न्यू टिहरी है, वरना काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। 12:30 तो हो ही गया ना शायद, हाँ 12:30 का इस टाइम हो चुका है। हरिद्वार हर की पौड़ी भाई लोग जिनको नहाना नहा लिए भाई साहब, दर्शन भी हो गए। अब यहाँ से गाइस ऋषिकेश होते हुए भाई न्यू टिहरी, और टिहरी तक का डेस्टिनेशन बता दूँ आपको, डिस्टेंस तो गाइस काफ़ी दूर है, देखो 94 किलोमीटर गाइस, 94 किलोमीटर भाई बहुत होता है, वो भी पहाड़ों का। गूगल मैप तो बता रहा भाई यहाँ पे 2.5 घंटा, बट गाइस कहीं ना कहीं भाई 1-2 घंटा फालतू लेके चलो, 1 घंटा तो अपने को 3.5 से 4 घंटा ऐसे एग्जैक्ट लगने वाले हैं। और पेट्रोल गाइस नो टेंशन भाई, फुल टैंक करा लिया था, बस अब सीधा गाइस मंजिल पर पहुँचना है। ऋषिकेश में गाइस स्टॉप नहीं लेंगे क्योंकि ऋषिकेश में तो मैक्सिमम चीज़ गाइस एक्सप्लोर किया है, रास्ते को खूबसूरती को आपको दिखाते हुए चलेंगे, राम झूला लक्ष्मण झूला जो जो आएंगे सब एक्सप्लोर करेंगे वैसे ही, बट स्टे नहीं लेंगे। आ जाओ हरिद्वार से हर की पौड़ी से भाई एग्जिट, एंड लेफ्ट में गाइस अपना मेन रोड, दिस इज अ मेन रोड। थोड़ी अजीब सी साउंड आ रही है स्कूटी में से, मतलब इंजन के साइड से जैसे बेल्ट वेल्ट आवाज़ नहीं करता उस टाइप का आ रहा है, ये देखो बिल्कुल कम आरपीएम पे आ रहा है, फिर एकदम से बंद हो जा रहा है। देखूंगा कहीं रुक के देखूंगा, इस नॉन स्टॉप इतना किलोमीटर चलाया है ना तो मे भी थोड़ा सा हो गया होगा। तो फाइनली भाई आ चुका है इस मेन रोड पे, और तेरी गाइस खच्चर ऋषिकेश गाइस यहाँ से है सिर्फ 23 किलोमीटर, देहरादून 51, बद्रीनाथ 318। तो अपने को गाइस हिट करना है 23 किलोमीटर, चलो। और अभी तो गाइस हरिद्वार का जो भाई महादेव जी की मूर्ति आती है बड़ी वाली, वो भी देखने को मिलेगी, देखो ब्रिज पे। बहुत गाइस बहुत यहाँ पे हम टाइम लगाए हैं, अब खैचम खैच चलना भाई, 1 बजने वाले, सोचो हमने सोचा था 1-2 बजे तक भाई पहुँच जाएंगे टिहरी, बट 100 किलोमीटर भाई यहाँ से बच रहा अभी। भाई महादेव जी की मूर्ति ये देखो,
हर हर महादेव गाइस, हरिद्वार का भाई ये तो पहचान है गाइस, बहुत ही बढ़िया। तो फाइनली गाइस हरिद्वार को हमने क्रॉस कर दिया, निकल चुके भाई ऋषिकेश की ओर। तो अभी गाइस एंटर कर चुका भाई राधा जी टाइगर रिजर्व। भाई ये पूरा का पूरा गाइस फॉरेस्ट भाई, यहाँ पे आपको सफारी फारी मिल जाती है, बट गाइस पूरा जंगली, यहाँ पे भाई पूरा जंगली जानवर आपको देखने को मिल सकता है, ऐसे नहीं मिलेगा रात रात को देखने को मिलता है। और जहाँ से निकल भाई पूरा जंगल है, पूरा का पूरा गाइस जंगल वाला एरिया। और यहाँ पे गाइस गाड़ी में कोई आधा कई बार आ चुका गाइस, गाड़ी मतलब फुल आप चला सकते हो बढ़िया से, लेकिन वैसे नहीं भगाना नहीं है क्योंकि जंगली एरिया तो भाई कुछ भी आ जा सकता है। वैसे दिन में तो कम चांस रहता है, लेकिन हाँ कुछ कहने हो भाई कह नहीं सकते, जब होना था गाइस दिन हो रात हो कुछ मैटर नहीं करता। बट हाँ रोड काफ़ी बढ़िया भाई चारों तरफ आपको, भाई ये पूरा राजा जी नेशनल पार्क है, उन्हीं का पूरा जंगल है। और यहाँ से भाई किलोमीटर रह चुका अपना 88 दिखा रहा था, अभी फिर गायब हो गया। जैसे गाइस आपके भाई ने बोला था भाई फाटक आता गाइस रेलवे का क्रॉसिंग का, तो लो भाई आ चुका है ऋषिकेश। पहुँचोगे ना आप रास्ते में आपको मिल जाएगा फाटक। देखो मैं कब आया था कब नहीं आया था भाई, याद है मुझे, देखो सिंगल लेन का फाटक है भाई, लेकिन चलता है। हाँ चलती है, अभी तो बंद कर रखा है, चालू कर रखा है। तो फाटक क्रॉस करने के बाद भाई फिर आप पहुँच जाओगे ऋषिकेश। अब नहीं आ रहा एक ही फाटक ऐसा। और यहाँ से बच्चू का गाइस अपना टिहरी 79 किलोमीटर, और टाइम की बात करें तो 2 घंटा 10 मिनट दिखा रहा है। सामने भाई पहाड़ी पहाड़ है, और आज तो ऐसा लग रहा है बादल बहुत है भाई पहाड़ों पे, बादल ही बादल है देखो, क्योंकि वेदर बहुत क्लियर है तो अच्छे से दिख पा रहा है। चलो भाई मज़ा आएगा गाइस, मज़ा ही मज़ा। आई धूल मिट्टी सब के लेंगे मज़े, ऑफ रोडिंग ये ईस्ट और वेस्ट बेताल इज द बेस्ट। चलाओ ट्रैक्टर भैया, रोड़ी पत्थर क्या क्या आ रहा है, क्यों लग रहा है इसको ओवरटेक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, स्कैम करवाएगा बाइक वाला गिर ना जाओ दूसरे के चक्कर में, जान दो उसको। तो सामने गाइस बोर्ड है ऋषिकेश है, लक्ष्मण झूला भी सामने है। ऋषिकेश के लिए गाइस पहले आना पड़ेगा सीधा, फिर लेफ्ट होके यू टर्न लेके फिर सीधा। तो अभी गाइस दिखा रहा है रोड ये वाला फॉलो करने के लिए। अभी अभी फाटक क्रॉस करके आ रहे भाई साहब, धूप में जो सजा मिली हमें 15 से 20 मिनट खड़े खड़े भाई, तेल निकल गया। और इतने देर बाद भाई ट्रेन आई हो भी स्लो 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 आई थी, कौन सी थी, बांद्रा से अहमदाबाद वाली ट्रेन भाई, हालत ख़राब हो गई हालत। राहुल भाई कहाँ चले गए, कहाँ गया, अच्छा हो रहा हो रहा आगे है। क्या कह रहे थे, हाँ तो अब जाके फाइनली गाइस आ चुके भाई। एक देखो रास्ता वो भी आ रहा था ऋषिकेश के लिए, बट ये भी जा रहा है वाला शॉर्टकट है, मैप ने भाई मैप तो अपने हिसाब से कहीं घुसा देता है। तो ये फॉलो करे जो कि न्यू टिहरी आएगा, और कुछ और गाइस चंद मिनटों के बाद भाई आपको ऐसी ऐसी कर्विंग दिखने वाली ना भाई, मतलब मैप में दिखा रहा भाई इतना देखो इतना गजड़ मजड़ ऊपर भाई साहब, हालत ख़राब होने वाला है एंड मज़ा आने वाला भाई। फाइनली भाई पहाड़ों की कर्विंग लीन, बादल देख रहे हो भाई पूरा गाइस फॉग हो रहा है। तो भाई इंतज़ार ख़त्म गाइस, बहुत ज़्यादा भाई मेहनत की है यहाँ तक आने में, और जो फाटक पे खड़े तो भाई उसकी सजा तो अलग से मिली है, तो अब आनंद भी भाई दुगनी तिगनी लेवल पे बढ़ जाएगा। सामने का वेदर ऐसा लग रहा भाई पहाड़ों पे, वैसे तो अभी वहीं से होके जाएंगे भाई साहब, लग रहा गाइस पूरा मौसम ख़राब है भाई, देख रहे हो इतना ज़्यादा क्लाउड हो रहा भाई साहब, पता नहीं कहाँ से आया इतना ज़्यादा क्लाउड, ओ माय गॉड भाई इतना बादल मैंने कभी नहीं देखा पहाड़ों पे, लग रहा है या तो मौसम पूरा ख़राब है, बारिश हो रहा है देखो घंघोर काला हो रहा है देखो, राइडर्स लोग भी भाई आ रहे हैं, बहुत राइडर्स दिखे भाई। तो इतना ज़्यादा बादल है, या तो बारिश हो रही होगी या तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला, क्योंकि जाएंगे तो भाई वहीं से फुल गाइस बादलों में फ्लो करते हुए जाएंगे भाई, बादल आसपास चारों तरफ बादल ही बादल होगा। तो इस व्यू को गाइस इंजॉय तो करना भाई, देखते हैं
चलो ये ब्रेक ही ले लेते भाई। गन्ने का जूस, सामने पहाड़, एक हड़ी बेताल, और अभी भाई 71 किलोमीटर यहाँ से टिहरी। जैसे कैमरा बंद कर रहा हूँ, चालू करने का बंद कर जा रहा भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा सामने। वो देखो सामने गाड़ी आ रही, दिखी आपको? ये देखो पास है, आप दिखा, ये देखो